कोई है अल्लाह नबी का प्यारा जो देगा मुझको उसको सबको सारा। तेरी तनख्वाह कितनी है? उसने बोला 1.5 लाख रुपए। बोला मैं 1.5 लाख रुपए असिस्टेंट को देता हूँ अपने। मुश्किल होता है कोई चीज़ सौदा लेना, खड़ा होना किसी काम के लिए, बाहर आदमी निकला है, एक अजाब हो गया है। हाँ, मुझे दिहाड़ी 800 रुपए, तो मैं छोड़ के यही काम शुरू कर दूँ? मेरा तो दिल करता है मैं भी भीख मांगू यार। आप माशाल्लाह थे गैरतमंद। अल्लाह के नाम पे 20 रुपए दे बाबा। फकीर आ रहे हैं पाकिस्तान के कोने कोने से, और कम से कम एक फकीर कमा के जा रहा है 5,000 रुपए, 3,000 रुपए, और हम यहाँ पे 1500-1000 रुपए दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? तो ये फकीर ओरिजिनल फकीर नहीं है, अच्छा पेशा है। आज मैं भी सोच रहा हूँ कि यहाँ मुझे दे रही है 800 रुपए, तो मैं छोड़ के यही काम शुरू कर दूँ। मौला दिया तो दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। ये यार दिल कमजोर हो जाता है, अल्लाह की कसम, वाले टाइम तो वो यानी कि कौन सी वो पट्टी कहलाती है, स्प्रिट की है, स्प्रिट की पट्टियाँ बांधी हुई होती है उन्होंने चेहरे के ऊपर, और स्प्रिट की पट्टियाँ लगा के अब उनके सामने दिल हो जाता है यार। चलो अब 10 कुछ नहीं तो 100 दो, इनको डायरेक्ट गोली मारो। हीरोन ये पी रहे हैं, चरस ये पी रहे हैं, शराब ये पी रहे हैं, सब चीज़ें ये कर रहे हैं, ये जगह दगेटियाँ सबसे ज़्यादा ये कर रहे हैं, यकीन करो। और इनसे ज़्यादा यानी जो ना खतरे, सबसे आसान काम यही हो गया। एक आदमी भीख मांग रहा था, उसे किसी ने कहा कि ऐसा कर कि तू मेरे साथ चल, सारा दिन मजदूरी कर, शाम को 1000 रुपये दूंगा। उसने कहा तू ऐसा करो मेरे साथ चलो, शाम को मैं तुझे 2000 रुपये दूंगा। पैसा ही पैसा हो गया। वो डॉक्टर थी, उसने शादी करके बोला, वो उन्होंने मुझे घर बंगला बंगला दिखाया, बड़े भाई हाई फाई फैमिली थी। जब मेरी शादी हो गई, अभी मेरे को 6 महीने हुए हैं, अब वो शाम को क्या करते हैं, सारे घर वाले चले जाते हैं। एक दिन मैंने उसके पीछे गई वो भीख मांगने के लिए। मेरे ससुर ने बोला भाई तू डॉक्टर है, तेरी तनख्वाह कितनी है? उसने बोला 1.5 लाख रुपए। बोला मैं 1.5 लाख रुपए असिस्टेंट को देता हूँ अपने। बहू को बोल रहा था तू भी मेरे काम में लग जा, डॉक्टरी छोड़ दे। काम रहेगा अगर इनको आप मेरे साथ भी रखवा देंगे तो मांगने के लिए मैं कंधे बाल रख के चलेंगे, ये मेरे पास बहुत मिलेगा, मैं भी ऐसे करके दिखलाऊंगा भाई, यानी कि जो है ना मिल जाएगा इंशाल्लाह। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, उनको निपटाएं या अपना काम करें या सौदा लें बाजार से। अगर आप होटल में बैठ जाओ तो 100 रुपए से ये फकीर ले जाएंगे, तो 10 रुपए के हिसाब से। मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ, आप सौखी की बात कर रहे हैं, वो कपड़े मेरे छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी है उनकी। अच्छा, वो बोला कि भाई आप क्यों, कौन आप, क्यों भीख मांग रहे? चले मैं मेरे आपको लेके चलता हूँ, काम करें मेरे पास। उन्होंने काम करने का कोई, उन्होंने कहा नहीं काम नहीं करें। फिर उनके उसके पीछे एक बड़ा आया, फिर पहले बच्चे को, उसको बड़े को मैंने डांटा तो उससे बड़ा आ गया, नहीं करें यार। तब उसमें आंटी बोलती है बेटा बकरे का गोश्त कैसे किलो है? मैंने कहा आंटी नहीं पूछो, मैं रो पड़ूंगा। बोला क्यों बेटा? मैंने कहा आंटी मुझे कुछ जमाना हो गया है, मैंने बकरे का गोश्त नहीं खाया। बोला क्यों? मैंने कहा इतनी महंगाई है। तो उस आंटी ने मुझे 1000 रुपए दिया, बोला ये ले बेटा बकरे का गोश्त ले लेना। गोशी 1200 किलो 12, तो मैंने लिया ही नहीं ना, वो तो मुर्गी के ले लिया 500, फिर भी बचा लिए। बकरे का गोश्त नहीं खाया? नहीं खाया, 4 साल हो गए। खतरों से भी तंग, यकीन करो भाई, ऐसे सारे कसम खुदाई की औरतों के, औरतें फेल हो रही है, यकीन करो आप। रमजान के महीने में ऐसे ऐसे आ रहे औरतें फेल हो रही है, यकीन करो। जैसे क्यों, औरत से क्या मुकाबला है? मगर मुकाबला तो नहीं है, मगर फिर भी यानी कि जो है ना सामने वाला तो ये सोचता ना या कोई औरत आई है, कस्टमर आया है, मगर ऐसा नहीं है, आप यकीन करो। वो कैसे पता चला है खतरा है औरत है? जब वो बोलती है आवाज़ से ये करती है ना, जब समझ में आया था, ये करना नहीं समझ में आता, यकीन करें बताइए। एक औरत थी, वो गलत उसका पेशा था, उसके मियाँ ने कहा कि तुम अपना ये काम छोड़ दो। तो उसने कहा ठीक है मैं छोड़ दूंगी ये काम, तुम 41 दिन, तुझे 40 दिन तक तो मुझे मांग के खिला, 41वें दिन मैं अपना धंधा छोड़ दूंगी। वो 40 दिन तक मांग के खिलाता रहा 41 दिन, औरत ने कहा कह लगा कि हाँ भाई अब मैं अपना कंधा, कह रहा तू मेरी तरफ से दिन और रात को क्या नाम है यही धंधा कर, तू देर जैसा तुझे करना कर, मैं तो यही करूँगा मांगने वाला। ये फकीरी है, इतना ऐसी चीज़ है ये। गवर्नमेंट को पकड़ो, पुलिस को पकड़ो जाके ना, पुलिस के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। ये पुलिस भी आपको लग रहा है कि मिली नहीं? लाजमी बात है, इसके बगैर पुलिस के बगैर कोई जुर्म हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में ना। किधर है आप? अब इनसे बड़े भिखारी जी, इनसे बड़े भिखारी कौन? पुलिस वाले ना? हाँ ना, वो तो है, आपको पता है मतलब ना।
पुलिस में हूँ। पुलिस में हो या जिसमें फौज में हो ना, ASI भले ASI हो तुम ना, है ना, भले DIG हो तुम ना, पुलिस करप्ट है ना पुलिस में, इसमें क्या है।